नौवा सालाना उर्स अनवार उल औलिया का आज हुआ समापन। चार दिवसीय नौवा सालाना उर्स मुबारक हुआ मुकम्मल। आज जुम्मे की नमाज से पहले संदल शरीफ का जुलूस हुआ मुकम्मल। उर्स अनवार उल औलिया की आखिरी दिन के मौके पर भी उमड़ी हजारों मुरीदीन की भीड़। लग रहा हुजूम उर्स के समापन पर मुल्क के लिए दुआ की गई, मुल्क में अमन चैन शांति बनी रहे। वहीं उर्स मुकम्मल होने पर उर्स की देखरेख कर रहे गुलनवास खान ने जानकारी देते हुए कहा कि आज इस उर्स का आखिरी दिन है। जिस तरह से शासन व प्रशासन के लोगों ने उर्स मुकम्मल करने में हमारा सहयोग करा, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं कहा कि हम नगर निगम प्रशासन से ये भी कहते हैं कि यहाँ आने जाने में पक्का रोड ना बने होने की वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10वें सालाना उर्स में यह दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अंदर वो होगा, नीचे लो नीचे लो। नौवा सालाना उर्स मुबारक। सूफी सैयद अनवार शंशाह रहमतुल्लाह अलैह 12 बीघा हसनपुर आगलाबाद मुर्शिद नगर में आज इख्तिताम पर पहुंचा।
संदल शरीफ का जुलूस मैं कलंदरी धमाल कव्वालियों के साथ छुट्टन मैनेजर मोहम्मदी मस्जिद से उठा, क्योंकि आज जुमे का दिन था, जुमे की नमाज का भी अहतमाम करना था। सैलई होता हुआ, नगला गुलरिया होता हुआ दरगाह अनवारुल औलिया पे इख्तिताम हुआ, गुस्ल शरीफ की रस्म अदा की गई, उसके बाद रंग हुआ जिसमें तमाम हिंदुस्तान से दूर दूर के मुरीद, उनके अकीदतमंद जिनको उनके बारगाह से फैज़ हासिल हुआ है, वो सारे लोग हर तरफ से आते हैं। अब क्योंकि रंग शरीफ मुकम्मल होने के बाद उनके लंगर का इंतज़ाम, खाना खिलाने के बाद उनकी रुख्सती है, मैं अहले फिरोज़ाबाद जितने भी उर्स में लोगों ने शिरकत की है, मैं उन सब का बड़ा शुक्रगुजार, नगर निगम फिरोज़ाबाद, प्रशासन, थाना रामगढ़, SHO ने जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी विद्युत विभाग की ने लाइट का इंतज़ाम भी माकूल किया, मैं जितने भी प्रशासनिक अधिकारी उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत साद आफियत से हमारे यहाँ का उर्स मुकम्मल हुआ, किसी भी मेहमान को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आईं। अगर किसी तरह की सबसे ज़्यादा परेशानियाँ पेश आई हैं, वो फाइन ग्लास से लेके जो नगर निगम की सीमा है और अबू हुरैरा डिग्री कॉलेज तक, वहाँ रास्ते की लोगों को बहुत परेशानियाँ आईं, बहुत दिक्कतें आईं, कई ई रिक्शा पलट गए, टेम्पो वालों के ऑटो वालों के ऑटो पंक्चर हो गए, कुछ मेहमानों के गिरने से चोटें भी आईं। तो मेरा विनम्र निवेदन है नगर निगम, नगर आयुक्त, मेयर कामनी राठौर जी से कि आने वाले वक्त में इस इलाके की तरफ भी गौर करें, यहाँ भी इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं। बहुत मेरा इस खुसूसी निवेदन है, बाहर के लोग आते हैं हिंदुस्तान के, फिरोज़ाबाद का मैसेज अच्छा नहीं जाता है, कम से कम लोगों को ये लगे कि हाँ हमारा हमारे नगर निगम से क्या तैयारियाँ रहती हैं, क्या चीज़ें हैं। हिंदुस्तान के बहुत कम शहर ऐसे हैं जहाँ से यहाँ लोग नहीं आते, हर जगह से लोग आते हैं, शहर का मैसेज अच्छा नहीं जाता है। बस यही मेरी गुजारिश है नगर आयुक्त जी से और कामनी राठौर मेयर साहिबा से कि आने वाले वक्त में यहाँ का इंतजामों को बखूबी देखें, ताकि मेहमानों को आने जाने में परेशानियाँ ना हो। बाकी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वॉइस टीवी का, जिसने एक एक पल उर्स की लाइव टेलीकास्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया का, जिन्होंने इतनी दूर आके इतनी मेहनत करके इस उर्स को पब्लिश किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मकबूल भाई का, जिन्होंने अपना पूरा वक्त हमें दिया और उन्होंने जब जब मैंने उन्हें बुलाया वो मेरे पास आए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मकबूल भाई और शाहिद भाई का, जो वॉइस टीवी के ऑनर है। बस मेरी बात यहीं ख़त्म होती है बस, और सब मेहमान साथ आफियत से रुख्सत हो, किसी को भी किसी तरह की तकलीफ हो, वो सज्जादा सूफ़ी सैयद सद्दाम हुसैन साहब का नंबर है ही ज़्यादातर लोगों पे, उनसे कांटेक्ट करें। बाकी हमें ही है, जो भी इसमें इंतज़ाम हुए उसमें ज़ेर सरपरस्ती जनाब सूफ़ी सैयद सद्दाम हुसैन अनवारी अबरारी जमाली सज्जादा नशीन और मेरे छोटे भाई हिलाल अनवर, उनकी बहुत मेहनतें हैं, उन्होंने बहुत वक्त दिया, बहुत मेहनतें हैं। उसके बाद मैं कमाल अनवर, मेरे भतीजे इंजमाम शामीर हुसैन, मेरा बेटा लारेब कमाल, इन सब लोगों ने बहुत मेहनतें की और भी दीगर लोग थे जिन्होंने इस इंतज़ाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।